बड़ा सुंदर कार्यक्रम कीर्ति जी के द्वारा घर पर हकीकत रूबरू हो तो हकीकत हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अरे हकीकत 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 अबू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के शाह ने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तेरा दबदबा तो बस तेरी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जिम्मेदारी नहीं चलती। जय जय। सुना भी आप लोगों ने? देखा बे? सुना नहीं, सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। आपने कहा शंकर भैया आपने धुन को धुन दिया है। धुन दिया है, धुन दिया है। और फिर आपने उसको दो तीन बार गा के भी बताया है। इन्होंने गुन दिया है। और आवाज आई कि तुम कोई मोहम्मद रफू नहीं हो। जो हम तुमको देखें पीछे मेरा आशय ये नहीं है। मेरा आशय ये है कि जब हमारी बात को आप सुनेंगी तब तो जवाब आप दे पाएंगे, चाहे गुरु जी लिखे चाहे अवधेश भैया लिखे। सुनना तुमको भी पड़ेगा आखिर मैं कह क्या रहा हूँ। नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी तो हो ही जाएगी। क्या बात है, जब आप सुनेंगे नहीं तभी फिर कहेंगे कि हमारे जो भीमा बाबा वो चंदा मांग रहे हैं। बस यही समस्या है। ये दोनों गप्पू भी से रफू कर रहे हैं। और आपने कह दिया कि भैया मैंने गाने की दूसरी अंतरा बोली थी, आपने दूसरी अंतरा बोल दी। ये अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जानकारी का खेल है। बस बस, अब तुमको वही एक अंतरा आती है पूरे गाने में, हमको पूरा गाना आता है। हमारे लल्लू को दो चार गाने एक्स्ट्रा आते हैं। पर दिक्कत ये है कीर्ति जी, बढ़िया आप गाती हैं, बढ़िया बजाती हैं, लेकिन अपना दिमाग ना मत लगाया करिए कीर्तन में। गुरु जी बता रहे हैं उतने आपको बोलना है, उतने तुमको गाना है। जितनी भरी चाभी राम ने उतना चले खिलौना। गड़बड़ तब हो जाता है जब अपना दिमाग तुम लगा देते। तुमको अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहना, जितना उदेश भैया कहे वो बोलना है और जितना गुरु जी कहे वो बोलना है। बाकी आधा आधी जान तो हमारे विकास भैया लगाए हैं। नहीं, ये गड़बड़ घोटाले में है, इन पे जांच किया जाएगा। आईचू खाईचू निरहु सुखा। देख के पूरी झपट पर गई सात जन के बरबुक्का। बहुत सारी बातें आपने की हैं। और मैंने गीत टुकड़े में दिया था, बहुत बढ़िया आपने गाया है। अब हमारे इधर लगता है उन्नाव हमारा भी क्षेत्र है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी स्टाइल में गाया जाता है। और आपके इधर दूसरी स्टाइल में गाया जाता होगा। गीत दिया था क्या क्या, और मन करे सिलवट के लो पे। ये विनीत बाबू चेमियानी वाले आपके करकमलों द्वारा, लेकिन जो आपने इसमें लिखा है मेरी बोलने की औकात नहीं है भाई। हमारी फोन से बात हो जाएगी इसमें नहीं बोल सकते भाई। बोलो तो भावनाओं को समझो। हाँ, ये बाद में बोल देंगे, फिर हम मजे आपकी बात हो जाएगी। पर्ची हम डाले ले रहे हैं। क्या बात है, I'm gonna go
शंकर भैया आप की तरफ से बुढ़ा कह रहा है और मेरी तरफ से बुढ़िया बोल रही है, लेकिन जब आप गा रही थी तो लग रहा था कोई बुढ़िया गा रही है। जवानी का एहसास नहीं है अगर जवान मेरे पास सब कुछ है, दम लगा के गाओ। कैसे गाओ? मैंने गीत दिया था कि का सोच तो हुई है भाग तू सुबह से चमचा अब चमचन कह चांदी बुढ़व। क्या बात है कीर्ति जी, क्या लाए हैं आप? और हम तो गड़बड़ी में लिख भी नहीं पाए ना। आप क्या कह रही हैं? हाँ। क्या बूढ़ा कहना चाहते हैं? जो बूढ़ा बुढ़ऊ से कह रहे हैं वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो बात बुढ़ऊ बूढ़ा से कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो गुरु, बहुत सारी बातें बिटिया है, इसलिए जितनी जानकारी हो आदमी को उतना ही बोलना चाहिए। अर्थ ज्ञान खतरनाक, तो पूरा ज्ञान होता है तो ठीक, या तो फिर मेरी तरह ना हो, या तो जानकारी बिल्कुल ना हो, या तो हो तो पूरा हो, अर्थ ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए, बहुत सुंदर, रफू और गप्फू हो। हाँ, एक गीत आपने दिया है, हर जा रे जा ओ हर जाई, विनीत कुमार ब्लाक बाबू। हाँ। वो पर्चा बोल देंगे लेकिन अभी नहीं। हाँ। गीत किया आपने, जा रे जा जा रे जा और आपने कहा धरती पर ज्वाला रानी ज्वाला नर तन में समानी पर्वत भी ज्वालामुखी है ज्वाला हर मुख में समानी और पर्वत पर शिव शंकर हैं शिव के ओ पर्वत पर शिव शंकर हैं शिव की एक अजम निशानी शिव के ओ शिव के गजम नैन में ज्वाला महारानी भगवान भोलेनाथ के पास जो तीसरा नेत्र है उसमें ज्वाला भवानी और इत्यादि बातें तत्तुलिया है आपने बताया है। चलिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं शायद कुछ बन जाए। ज्वाला भवानी आपने लगभग लगभग सारे तत्व ले लिए हैं। हाँ। फिर विनीत बाबू ब्लॉक वाले 21 रुपए बड़े बाबू, अच्छा बड़े रह गया था,
ये विनीत बाबू, बड़े बाबू, ब्लॉक वाले आपके कर कमलों द्वारा 21 पद मुद्राएं हैं, वो पर्ची बाद में बोलेंगे। वो पर्ची बोल देंगे तो मिलना बंद हो जाएगा, अपना नुकसान थोड़ी कराएंगे। कहना है कि जल पर है धरती माता, सुनिएगा, मैं आपके गीत का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ज्वाला रानी, भवानी, पहाड़ों पर तमाम बातें दिखाई हैं, तो प्रयास कर रहा हूँ जो तत्व तो आपने छोड़े हैं वो तत्व तो लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जल पर है धरती माता, धरती पर गगन है छाता, बीच में पवन है बहती, बनी जो जीवन दाता, पवन बह रही है जो कि जीवन देने वाली है। हिमालय में गंगा माता, हिमालय में गंगा माता, गंगा से प्रणितर जाता। गंगा पाप दायनी है और जो भी पापी लोग होते हैं वहां पर जाते हैं, उनका तरोतरण हो जाता है। गंगा से प्रणितर जाता, गंगा का पानी अमृत भाग्य भी था। जल पर है धरती माता, धरती पर गगन है चाहता, बीच में पवन है बहती, बनी जो जीवन दाता, बनी जो जीवन दाता, बनी जो जीवन दाता। सवाल में कुछ तत्व दिखाए तो मैंने जवाब के माध्यम से